जी हाँ दोस्तों, वक्त है 10 नए एंड्रॉइड गेम्स पे नजर डालने का। बहुत नए गेम्स हैं इस लिस्ट में एंड आई एम श्योर आपको भी इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था। तो आइए पता लगाते हैं उनके नाम, शुरू करते हैं हम गेम्स की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी गेमिंग के साथ। तो सबसे पहला गेम है लिस्ट में डेड जेड, और ये अभी गेम दोस्तों अर्ली एक्सेस में है एंड ये एक जॉम्बी शूटिंग गेम है। तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर जगह पे रहोगे, एक लोकेलिटी में हो, डिपेंड करता है आप कौन से लेवल पे और ये लोकेलिटी कौन सी है, और वहाँ पे आपकी तरफ जॉम्बीज आते हैं एक पर्टिकुलर वुड से, तो वहाँ पे आपको उनको मारना है। अब यहाँ पे उन्हें मारना बहुत ईजी नहीं है बिकॉज गन्स में रिकॉयल हुए हैं, और जब उनको मारोगे तो इतनी आसानी से वो मरते नहीं है जब तक वो क्रिटिकल शॉट या फिर हेड शॉट ना हो। तो आई एम श्योर अगर आपको शूटिंग वगैरह के गेम पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इस गेम में मुझे इसके ग्राफिक्स अच्छे लगे फॉर द साइज, मतलब यहाँ पे 1.5 GB का नहीं है, बहुत कम साइज का है, बट फिर भी आपको ग्राफिक्स अच्छे मिल जाते हैं। नो फ्रिल शूटिंग है, टाइम पास करना है, जॉम्बीज को मारना है, अपना एकदम कुछ भी करा, मतलब मेट्रो में जा रहे हो बिकॉज ऑफलाइन है तो आप इसको कहीं भी खेल सकते हो, वेपन्स अपग्रेड करने हैं, प्राइमरी वेपन कौन सा है, सेकेंडरी वेपन कौन सा है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहला गेम है जो आपको इस महीने इंस्टॉल करके खेलना चाहिए। अब अगला गेम है दोस्तों लिस्ट में रेस्क्यू विंग्स, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। इसके ग्राफिक्स तो सबसे पहले मुझे बड़े क्यूट और अच्छे लगे, और यहाँ पे आपको एक प्लेन चलाना है और इस प्लेन से आपको जो आग लग हुई है उसको रेस्क्यू करना है। तो प्लेन को आप जब चलाओगे तो आपको पानी के सोर्स से उसमें पानी भरना है, 1 गैलन 2 गैलन जितने भी आपके गैलन्स हैं वहाँ पे, और फिर उस पर्टिकुलर फायर के ऊपर जाकर के उसको कैप्सूल को ड्रॉप करना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी साउंड कर रहा होगा बट है नहीं, आई एम श्योर जब आप पहली बार खेलोगे तो एक दो बार तो देखो फ्लाइट क्रैश करेगा ही करेगा एंड उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये कैसे नहीं हुआ, मैं करके दिखाऊंगा, और इसलिए गेम बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी है। तीसरा गेम है दोस्तों लिस्ट में डार्क स्वॉर्ड 2, और ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है, आरपीजी गेम है, जहाँ पे आपको हैक एंड स्लैश करना है एट द सेम टाइम जितने भी सामने आपके एलियंस हैं उनको मारना है। तो इस गेम के ग्राफिक्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कॉम्बोज हैं भाई एक के बाद एक, मतलब आपको बिना देखे भी अगर आप खेल लो ना तब भी यहाँ पे बहुत मजा आएगा बिकॉज वो जो ग्राफिक्स है, जिस तरीके से आप उनको मारते हो, जैसे अपने पावर यूज करते हो, वो खेलने में और देखने में दोनों में इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल्स मिल जाएंगे, आपको जो स्टार्टिंग ट्यूटोरियल होगा उसमें सब बता दिया जाएगा कि आपके पावर्स क्या है क्या नहीं है। एक ऑटो मोड भी है कि अगर कोई आदमी आपसे बात करने के लिए आ रहा है जब आप गेम खेल रहे हो तब आप इसको ऑटो मोड में रख करके खेल सकते हो, अपने आप खेलता रहेगा एंड देन जब भी आपका काम हो गया आप इसे रिज्यूम कर सकते हो, तो वो एक मुझे इंटरेस्टिंग फीचर लगा। तो आई एम श्योर अगर आपको आरपीजी हैक एंड स्लैश गेम्स पसंद है तो ये पसंद आएगा, बट हाँ वो 3D ग्राफिक्स आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, 2D ग्राफिक्स हैं लेकिन नियॉन लाइटिंग से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगला गेम है लिस्ट में हेलो नेबर, एंड ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम है जो आप अपने एंड्रॉयड में खेल सकते हो। तो एक पजल बेस्ड गेम है जहाँ पे आप एक बच्चे और आपके नेबरहुड में कुछ तो पंगा चल रहा है एक आदमी के घर में, और आप उसको जाकर के देखना चाहते हो कि भाई चल क्या रहा है। तो वो उस बंदे का काम है आपको पकड़ना, और आपका काम है छुप छुप करके किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट करके उस घर में क्या हो रहा है वो जानना है, मतलब ताला खोलना है, अंदर जाना है, बाहर जाना है। और कभी कभी ऐसा होता है यार, मतलब जैसे म्यूजिक है और जैसे वो आदमी दौड़ करके पीछे से आता है ना, तो एक एड्रेनलिन रश अंदर से आ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ग्राफिक्स अमेजिंग है एंड कभी कभी तो स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यार ये क्या खेल रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं, हार मत मानना, गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वॉक मास्टर, और ये कैजुअल गेम है जिसको आप कहीं भी कभी भी एकदम मस्त टाइम पास के लिए खेल सकते हो। तो एक पर्टिकुलर कोई सा भी जानवर हो, मतलब आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो, तो लामा होता है स्टार्टिंग में और आई थिंक ये गोट भी हो सकता है, एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। और यहाँ पे आप उसको वॉक करा रहे हो एक स्टिक पे है एंड बस लेफ्ट स्वाइप से राइट स्वाइप करना है, बहुत इजी लग रहा है ना, एक बार करके जरूर देखना बिकॉज वहाँ पे अगर आपका थोड़ा भी इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी भी बाहर है तो राइट गिरेगा लेफ्ट गिरेगा, बीच बीच में पिरानास आएंगी आपको खाने के लिए, तो ओहो बड़ा ही मजा आने वाला है भाई। अब अगला और एक इंटरेस्टिंग पजल गेम है लिस्ट में ब्लू, और ये उसी डेवलपर का है जिसने येलो पजल बेस्ड गेम बनाया था। अगर आपने येलो नहीं खेला है तो उस गेम को खेल लेना, और वैसा ही गेम प्ले दोस्तों आपको यहाँ पे मिल रहा है, नए इंटरेस्टिंग पजल्स हैं, और पिछले जैसे आपको येलो अपने स्क्रीन करना पड़ता था यहाँ पे आपको पूरा स्क्रीन ब्लू करना पड़ेगा। कोई हिंट नहीं देंगे आपको, स्टार्टिंग में खुद पता लगाना है, ऐसे अगर आप नहीं पार कर पाते तो ऊपर एक टॉर्च लाइट का बटन बन के आ जाता है, इसमें आप हिंट्स देख सकते हो, बट मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत इजी लगेगा, आगे जाकर के जैसे कि हर एक पजल गेम होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता रहेगा। तो आई एम श्योर अगर आप सारे के सारे लेवल पार कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। अब अगला गेम इसके बाद दोस्तों लिस्ट में कार मेक मी सिक,
एंड सीरियसली ये जब आप गेम खेलोगे ना तो थोड़ा सा अगर आपको मोशन सिकनेस जैसे हम नौशिया भी बोलते हैं अगर वो आपको है तो थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है बिकॉज गाड़ी उल्टी मतलब पूरा आपका ये स्क्रीन उल्टा पुल्टा हो जाएगा एंड आपकी गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा लगेज है वो जब आप चल रहे हो ना तो लगेज नहीं टूट के गिरना चाहिए तब आपको या तो स्टार्टिंग से खेलना पड़ेगा या फिर कोई एड्स देख करके वापस से वहाँ से खेलना पड़ेगा। तो आई एम श्योर अगर आप हिल क्लाइंबिंग जैसे गेम से बोर हो चुके लेकिन वैसा एक नया गेम आपको चाहिए तो भाई इसे इंस्टॉल कर लेना, फ्री है, कुछ जा नहीं रहा, कहीं भी कभी भी खेल सकते हो अगर आप एक गेमिंग लवर हो। तो अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग गेम की तरफ जिसका नाम है बॉम्बास्टिक ब्रदर्स और ये गेम दोस्तों मुझे मेजर महम का और एक्चुअली अभी जो जॉन विक मूवी आई थी उसकी बहुत याद दिलाया। जॉन विक इसलिए बिकॉज जॉन विक में उसका कुत्ता लेके जाते हैं और वो पूरे के पूरे शहर पे भाई गरज बरसता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों एलियंस इस पर्टिकुलर बंदे का कुत्ता लेके चले गए हैं और इसीलिए ये उन्हें ढूंढने निकला है, मारने निकला है। गेम प्ले आपको ग्राफिक्स कई हद तक वो मेजर महम जैसा लग जाएगा लेकिन यहाँ पे दोस्तों गन्स डिफरेंट है, उसको चलाने का तरीका डिफरेंट है। तो आई एम श्योर अगर आपको इस तरीके के गेम पसंद है तो ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अब अगला गेम है दोस्तों लिस्ट में प्रोजेक्ट जीरो डेथ और ये एक ऑनलाइन प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम है और यहाँ पे आपको 2D अरीना दे दिया जाएगा जहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेयर से कम्पीट करोगे और क्विक 3 याद है वैसा ही गेम प्ले है। एक्चुअली बिल्कुल वैसा गेम प्ले तो नहीं है, 2D गेम प्ले है लेकिन गेम प्ले मैकेनिज्म सेम है, मतलब आपको सामने वाले को हराना है, मैक्सिमम किल्स लेने अपनी टीम के लिए और फिर दूसरे मतलब पॉइंट्स इकट्ठा करने, अपग्रेड करने, नए गन्स, नए लेवल अप। तो अगर आपके फ़ोन पे पबजी नहीं चलता है तो अब तो चलो पबजी लाइट भी आ गया लेकिन अगर आपको पबजी नहीं खेलना है तो आप इसे खेल सकते हैं। और फाइनल गेम है दोस्तों लिस्ट में लेगो टावर्स और ये एक सिमुलेशन गेम है, मतलब आपको यहाँ पे एक टावर दे दिया जाएगा जो आपको बनाना है, एक के बाद एक बिल्डिंग्स बनानी है और वहाँ पे एम्प्लॉय करना है, नए लेगोज आएंगे तो उनको आपको अपने एक पर्टिकुलर फ्लोर पे डालना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और इसको आप कैजुअल गेम समझ करके नहीं खेल सकते हो, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे को किसी फ्लोर पर हायर करते हो तो उसको काम करने का कितना मन है, वो कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता है, कितना अच्छा है रिसोर्स, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। मतलब वो टावर आपका शहर है और आप अपने शहर को कैसे चलाओगे वो आपको इस गेम में दिखाना है। तो किसी किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है जो कैजुअल गेमिंग पसंद करते हैं बट अगर आपको इस तरीके के हार्ड मतलब सिमुलेशन गेम्स अच्छे लगते हैं तो आपको ये गेम बहुत पसंद आएगा। वैसे सारे के सारे गेम्स के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, प्लीज़ वहीं से डाउनलोड करिएगा। नहीं तो ऐसा होता है ना कि हमने बताया कुछ और आपने डाउनलोड कर लिया कुछ और फिर आप आके बोलोगे भाई गेम अच्छा नहीं लगा। एनीवेज एक और बात है, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको गेम्स की लिस्ट बताते हैं जो इस महीने लॉन्च हुए हैं, गेम्स बनाते नहीं हैं। तो अगर आपको गेम्स अच्छे नहीं लगे तो इसका मतलब यह है कि डेवलपर्स इस महीने मतलब उन्होंने मेहनत ही नहीं करी, मतलब ठीक है निकाल दो। तो ये बेस्ट गेम्स थे, अब अच्छा लगे नहीं लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एनीवेज अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल GT गेमिंग को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।